वेलकम बैक टू जागो लाहौर। आज डिस्कशन करने वाले थोड़ी हेल्थ के हवाले से भी। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद आदिल, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है, और उनको हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर आदिल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आदिल, हम आपकी डोमेन में हम शिज़ोफ्रेनिया को डिस्कस करें, बेसिकली ये प्रॉब्लम या बीमारी है क्या, इसको हम डिफाइन करें। दिस इज सीरियस मेंटल डिसऑर्डर। इसके अंदर पेशेंट की थिंकिंग कैपेबिलिटीज और रियलिटी को परसेप्शन काफी डिफरेंट हो जाती है। वो इसके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स, के जिनके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो पेशेंट रिसीव कर रहा होता है, जो असल में नहीं होती। उनको हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। कुछ पेशेंट की रियलिटी की परसेप्शन इस तरह की होती है, कुछ उसके बिलीव्स बन जाते हैं, इनको हम डिल्यूजन्स कहते हैं। और इन सारी की कम्बिनेशन पेशेंट को फील होती है और पेशेंट रियलिटी को गलत परसीव करता है, विच कैन गो अप टिल वेरी सीरियस इवन लाइफ थ्रेटनिंग इशूज। पेशेंट्स के अंदर टेंडेंसी डेवलप हो जाती है टू कमिट सुसाइड और दे कैन इवन हार्म अदर्स। और ये एक सोसाइटी की एक बहुत ही अंडर डायग्नोज सी डिजीज़ है, और ख़ासतौर पे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हमने ये चीज़ देखी है कि अगर एक पेशेंट कुछ उसकी सोच में गलत आने लग जाए या उसके बिहेवियर में कुछ चीज़ गलत आने लग जाए, तो सबसे पहले जादू टोना और उस पे बिलीव्स आ जाते हैं। जी बिल्कुल, जादू टोना और जो है लोग तावीज़ और जिन और इन इन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं, और वो हेल्थ इश्यूज को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं, नेगलेक्ट कर जाते हैं, इतना कि वो एक सीरियस हद तक और पर्सनैलिटी के अंदर इतनी वो चीज़ें सराहियत कर जाती हैं कि करेक्टेबल नहीं रहती। क्योंकि जितने इन चीज़ों को प्रोलॉन्ग करते जाते हैं, उतने वो सिम्टम्स फर्म होते जाते हैं, उतने वो साइंस पेशेंट के अंदर फर्म होते जाते हैं, डिजीज़ उतनी स्प्रेड होती जाती है। स्प्रेड से मुराद ये है कि पेशेंट की जो सोशल लाइफ है वो भी उससे डिस्टर्ब होती है, पेशेंट की पर्सनल लाइफ, और फिर इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी, वो अपने काम प्रॉपरली नहीं कर सकता है, ड्यूटी पे नहीं जा सकता, जॉब्स नहीं कर सकता, तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। अच्छा, अगर हम बात करें तो उसके सिम्टम्स बेसिकली, अभी आपने बताया बहुत स्वेयर भी होते हैं समटाइम्स, इनिशियली किस तरह की चीज़ें जो चेंजेस आती हैं बिहेवियर में? इनिशियली छोटी छोटी चेंजेस आती हैं, जैसे पेशेंट विदड्रॉ कर जाता है फ्रॉम द सोसाइटी, वो लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर देता है। यानी एक शख्स होगा जो कि डेली आपके साथ उठेगा बैठेगा, रोज़ाना फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेगा, मगर अचानक से हम देख लेते हैं कि वो इंटरेक्शन छोड़ जाता है, या कोई नई इस तरह की हैबिट्स डेवलप कर जाता है। एज एन एग्जांपल, टोबैको स्मोकिंग, कुछ यानी यंग एज के बच्चे जो हैं वो टोबैको स्मोकिंग के अंदर लग जाते हैं। असल में उनके पीछे कोई ना कोई साइकेट्रिक इलनेस या इस तरह की कोई चीज़ होती है जो कि अनडायग्नोज चल रही होती है, और वो उसको ओवरकम करने के लिए अपनी हैबिट्स चेंज कर लेते हैं और गलत तरफ कुछ निकल जाते हैं। इसके अंदर जो कि है इनिशियली सोशल विड्रॉल एक सिम्टम है। इसके अलावा इनके सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स के अंदर भी आ सकते हैं कि कोई हेडेक्स इनको हो सकते हैं इनको। इसके अलावा ये एग्रेसिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, किसी चीज़ का एक गलत परसेप्शन और बार बार एक चीज़ को रिपीट करते रहना है कि जी ये मसला है, ये मसला है, हालांकि वो नहीं होता, उसे समझाया भी जाता है, फिर भी ही और शी बिलीव्स कि ये कोई इशू है जो नहीं ठीक हो सकता। अच्छा, आप चूंकि न्यूरोसर्जन है तो आपके डोमेन में किस तरह के इश्यूज हैं जो लीड कर सकते हैं शिज़ोफ्रेनिया की जानिब? जी, शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जो अगर हम इसके एग्जैक्ट कॉज की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, मगर देर आर सर्टन थिंग्स की एक जेनेटिक मेकअप होता है, यानी फैमिली हिस्ट्री के अंदर, अगर फैमिली के अंदर कोई पर्सन है जिसको कोई साइकेट्रिक इलनेस है तो वो भी इसमें लीड कर सकते हैं। देन देर कम्स द फिजिकल फैक्टर्स, के अगर एक पेशेंट है जो कि ऑलरेडी कोई ड्रग अब्यूज़ या उसके कोई अल्कोहल अब्यूज़, टोबैको अब्यूज़ के ऊपर है, तो ये भी इसको लीड कर शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जा सकते हैं। देर कैन बी एन एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल, ये तीनों का एक मॉडल होता है जो कि यानी तीनों चीज़ें होंगी, एक के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो, उसके अंदर कोई फिजिकल इशूज़ भी हो, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो सकती है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है जो कि उसको मेंटल स्ट्रेस के अंदर डालती है। इन्वायरमेंटल के अंदर इकोनॉमिक आते हैं कि कोई शख्स जॉबलेस हो गया, कोई शख्स के फैमिली के इश्यूज आ गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, तो पेशेंट इसके अंदर वो डिजीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा डॉक्टर आदिल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिज़ोफ्रेनिया की, तो एज ग्रुप भी होगा स्पेसिफिक कोई, या इसके चांसेस या रिस्क जिन लोगों में ज़्यादा है उनकी बात करें? नहीं, एज ग्रुप के लिए जो यंगर एज ग्रुप है जो कि अब एडोलेसेंट के अंदर होते हैं और उसके बाद फिर इन द अर्ली थर्टीज़, उसके अंदर इसके ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स के अंदर जब स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं तो ये देखा गया है कि इन पीपल विद हायर आईक्यू दे हैव
got higher chances of getting mental illnesses. जी, उनके अंदर यानी thought process बहुत तेज होता है and they keep on thinking and then eventually end up into stress and stress leads to psychiatric illnesses. ठीक होगा. अब इसके अंदर फिर जब हम ट्रीटमेंट की हम इसमें बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर इनिशियली हमें पहले तो ये रूल आउट करना चाहिए कि कोई इस तरह की डिजीज़ तो नहीं है कि अदर देन साइकेट्रिक, क्योंकि साइकेट्रिक लेबल करना इज़ अ लाइफ लॉन्ग लेबल. कि अक्सर हमने इस तरीके का देखा है कि जी किसी पेशेंट को एक साइकेट्रिक लेबल कर दिया गया एंड वेन वी परफॉर्म एन इन्वेस्टिगेशन CT या MRI आफ्टर फ्यू ईयर्स तो हमें पता चला देर वॉज सम करेक्टेबल कॉज जिसको हमने इनिशियली करेक्ट नहीं किया और ये लेबल करते रहे कि जिसको हम अर्ली डायग्नोज कर सकते थे. यानी एक न्यूरोसर्जन के उसके अंदर होना कि इनिशियली एक CT या MRI करा लीजिए तो उसके ऊपर हम ये देख सकते हैं कि कोई लिजन तो नहीं है. यानी लिजन से मुराद कोई ट्यूमर या कोई सिस्ट जिसको रिमूव करके इस तरह के सिम्टम्स हम डायग्नोज कर सकते हैं. ये साइकेट्रिक डिजीजेज शिज़ोफ्रेनिया के भी रिपोर्ट्स हैं कि एराकनॉइड सिस्ट एक सिस्ट होती है ब्रेन के अंदर उसके के पेशेंट के अंदर सिस्ट थी उसकी वजह से पेशेंट शिज़ोफ्रेनिक लेबल हो गया ट्रीट शिज़ोफ्रेनिक होता रहा. जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रीटेबल कॉज. जब सिस्ट को ट्रीट किया तो पेशेंट वाज ओके. तो एक तो इनिशियल डायग्नोसिस के टाइम पे हमारी इन्वॉल्वमेंट बीइंग अ न्यूरोसर्जन इंपॉर्टेंट होती है. उसके अलावा इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि एक साइकेट्रिस्ट देता होता है. जी, और साइकेट्रिस्ट के बाद अगर पेशेंट्स बिकम रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल थेरेपी यानी उनके अंदर मेडिकल थेरेपी का कोई काम नहीं आ रहा देन अगेन न्यूरोसर्जन्स आर इन्वॉल्व. कि साइकेट्रिक डिजीजेस के अंदर अब ये रीसेंट एडवांसेस है जो कि आपके लिए एक खुशखबरी होगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी हमने स्पेशली सिटी लाहौर के अंदर ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं फॉर साइकेट्रिक डिजीजेस बाय इम्प्लांटिंग ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो कि वेस्ट में भी एक या दो साल पहले इंट्रोड्यूस हुए थे और हमारे सीनियर्स ने बहुत एफर्ट्स करके वो पाकिस्तान में लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अंदर शुरू हो चुका है और इसके अलावा जिना हॉस्पिटल और मियो हॉस्पिटल के अंदर अनकरीब इसके ऊपर मजीद काम हो रहा है और इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा. कि साइकेट्रिक डिजीजेज जो कि मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती जो कि 1/3 ऑलमोस्ट 30% इट्स अ ह्यूज नंबर उनको फिर न्यूरो सर्जरी करके इम्प्लांट डाल के ट्रीट किया जाए. ठीक हो गया. हमारे साथ कॉलर जी परवीन मसूद. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम उर्मिला, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ. ये मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी. जी जी करें. जी बोलिए. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब मेरी बेटी है तो उसको ना अगर कहा जाए कि तुम बस ऐसे ही बैठे बैठे से एकदम गुस्सा आ जाता है फिर बच्चों को मारना शुरू कर देती है समझ नहीं आती कि अचानक कोई जहन में कीड़ा काटता है उसके जो कभी लड़ना बिलावजह बेमकसद बातों पे ना वो गुस्सा करने लग जाती है चीजें फेंकना आपे से बाहर हो जाना फिर उसको कहे ना कि चलो तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं कि पता नहीं क्या वजह है हालांकि वो शादीशुदा है दो बच्चे है तो जी. वो कहती मैं पागल हूँ आपको मैं पागल नजर आती हूँ मैं साइको नजर आती हूँ वो उल्टा और तो लड़ने लगे तो इसको इस तरह के फेज में आते हुए उन्हें तकरीबन हो गए 15 साल हो गए. अच्छा ये अच्छा, 15 साल दादी जी पहले भी ऐसी थी कॉलेज से आती थी खाना तैयार ना मिले बर्तन फेंकना गुस्सा करना जी बिल्कुल मकसद बातें करना बिल्कुल इस तरीके के सिम्टम्स आ जाते होते हैं. दीज आर पार्ट ऑफ साइकेट्रिक डिजीजेज. ये एक लेबल करना कि पागल हूँ ये हमारी एक सोसाइटी के एक कहे के अनफॉर्चुनेट सी बात है. साइकेट्रिक डिजीजेज बिल्कुल उसी तरह की डिजीज होती है जैसे डायबिटीज है जैसे हाइपरटेंशन है जैसे कोई भी और डिजीज हो सकती है ना. तो उसमें आपको एक साइकेट्रिस्ट की रेगुलर काउंसलिंग और ये एक बात याद रखिए कि साइकेट्रिक मेडिसिन हमेशा एक खास वक्त लेती है यानी 2 से 4 हफ्ते मिनिमम अपना इफेक्ट असर दिखाने के लिए. कि हमारे पेशेंट ज़्यादातर उसके दौरान बिल्कुल नाउमीद होकर ये मेडिसिन छोड़ देते होते हैं जो कि एक यानी गलत बात है. जो एक डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें साइकेट्रिक काउंसलिंग रेगुलर लें और इसके अलावा कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ मिसाल के तौर पे कोई हॉबीज़ पालें कोई इस तरह की अपनी के स्ट्रेस लेवल उनका कम हो. हमारे सोसाइटी के अंदर वेकेशंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है. हमारे ख़ासतौर पे जो जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बेटी है जो ख़वातीन है वो 24/7 डे एंड नाइट वो दे आर ऑन ड्यूटी यानी ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि उनके पास कोई लेयर टाइम हो जिसके अंदर वो अपना आराम कर सके.
उन्हें भी किसी तरीके से यानी ऐसे मैनेज करना चाहिए कि उनके पास भी कुछ टाइम ऑफ हो, हस्बैंड्स को और फादर्स को, ब्रदर्स को ये चीज़ चाहिए कि सिस्टर वाइफ बेटी के हेल्प आउट करें, कि वो थोड़े टाइम ऑफ ले, अपना सोए, अपना आराम करें, अपना कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी करें। हमारे यहाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ की बिल्कुल, और ख़ासतौर पर ख़्वातीन में तो बिल्कुल भी रुझान नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत वॉक हो जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो, और अ हेल्दी बॉडी लीड्स टू अ हेल्दी माइंड। लवली, हमारे से नेक्स्ट कॉलर हैं जो मिसेस नवीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो, खुश रहो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बेटा इस टाइम मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आप अमेरिका में हो, मैं पाकिस्तान में हूँ। क्यों? बस दूरी बहुत ज्यादा हो गई है। अरे नहीं नहीं, आप बताए कुछ कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? बेटे हमारे मोहल्ले में एक लेडीज है और उसकी भी यही हालत है बेचारी की। वो आती है ज्यादा टाइम, वो मेरे घर ही गुजारती है, गपशप मारते हैं, लेकिन वो कभी एकदम बातें अच्छी अच्छी करते करते एकदम वो चेंज हो जाती है, अजीब बातें करने लग पड़ती है और अजीब तरह की घर की परेशानियां, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, मतलब टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन आया। ये मैंने पूछा कि टेंशन की वजह से है और इनकी केयर कैसे की जाए ताकि इनको थोड़ा सा जरा दुनिया में शामिल हो गए, कभी दुनिया से आउट हो जाते हैं, कभी दुनिया में आ जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू फॉर कॉलिंग मिसेस नवीद। अच्छा, चूंकि ये ही इज़ अ न्यूरोसर्जन और ये तमाम चीजें जो साइकियाट्रिस्ट के उसमें आती है, लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर साहब को थोड़ा सा आइडिया है तो वो हमें बता देंगे। जी बिल्कुल, ये जितनी आपने इलामत बताई हैं ये स्ट्रेस की वजह से ही इवेंचुअली पेशेंट्स चुके हैं वो साइकेट्रिक इलनेसेस के अंदर जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया। तो ये इनका भी इसी तरीके से है कि आप बींग अ फ्रेंड इनको एक तो खुद से भी कंसोल करें कि जी इस तरीके के मसले नहीं होते और स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो ये अपनी फैमिली का और बाकी चीज़ों का ख्याल रख सकेंगी। तो मगर इसके साथ साथ इनको साइकेट्रिक एवेल्यूएशन या कम से कम मेडिकल एवेल्यूएशन, बहुत सारी साइकेट्रिक डिजीज इस तरह की होती हैं जिस तरह ये एनजाइटी के प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कि किसी और कॉज की वजह से होते हैं, तो एक मेडिकल एवेल्यूएशन लाजमी है, बाय डॉक्टर के, किसी डॉक्टर के पास जाएँ और एवेल्यूएट करें। कुछ पेशेंट्स को जिस तरह थायराइड का इशू होता है तो उसके अंदर भी वो इसी तरीके से अचानक से आउटबर्स्ट आते हैं और एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो उनको भी इस तरह से बिल्कुल यही इलामत। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी चूंकि हम हेडेक्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करें जो आपकी बेसिकली डोमेन है और हम उस पर भी बात करें, न्यूरोसर्जरी में हेडेक्स के हवाले से किस तरह की चीज़ें हैं? जी हेडेक्स के हवाले से न्यूरोसर्जरी में अगर कोई रिसेंट ऑनसेट हेडेक हो, यानी एक पहले कोई हेडेक नहीं था और एकदम एक पेशेंट को हेडेक होना शुरू हो गया, तो इट्स एन अलार्मिंग थिंग, यानी उससे पहले कभी हेडेक की कोई हिस्ट्री नहीं थी, नया हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो इट्स एन अलार्मिंग थिंग और उसके अंदर आपको चेकअप करवाना चाहिए। खासतौर पे इस तरह के हेडेक्स जो कि अर्ली मॉर्निंग हो, दे कैन बी रिलेटेड टू इवन सीरियस इश्यूज जस्ट लाइक अ ट्यूमर। जी बिल्कुल, और बच्चों में खासतौर पे हेडेक्स कॉमन नहीं होते। अगर एक बच्चा आके हेडेक की कंप्लेन कर रहा है खासतौर पे विद अ वॉमिटिंग एंड इन द अर्ली मॉर्निंग, ये लाजमी है कि उस बच्चे को चेक करवाया जाए विद अ न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट ताकि वो अर्ली इसका डायग्नोज कर सकें। इसके अलावा इसके अंदर हेडेक्स के अंदर अगर कोई भी सिम्टम आ रहा है जैसे कि किसी हिस्से का सुन होना है या किसी हिस्से का की कमजोरी है, फॉलेज है, तो उस कंडीशन में भी आपको फौरन किसी न किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाना जरूरी है। जी माइग्रेन भी फॉल करता है विद अगेन विद अ न्यूरोलॉजिस्ट, एक्चुअली द डोमेन्स आर सो क्लोज और सारी की सारी ब्रेन के से रिलेटेड होती हैं, और वी ऑफन गेट पेशेंट यानी न्यूरोलॉजिस्ट का पेशेंट न्यूरोसर्जन के पास या न्यूरोसर्जन का पेशेंट न्यूरोलॉजिस्ट को साइकियाट्रिस्ट रेफर भी कर दिया जाता है, और करना चाहिए भी इस तरीके से कि रेफर एक दूसरे के पास करें और ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। मगर एक एवेल्यूएशन और क्लियरेंस भी लाजमी होती है कि मिस ट्रीट ना होते रहें सारे के सारे ना। और हेडेक्स की जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि अब एक अगर एक पेशेंट है जिसको बहुत अरसे से हेडेक चल रहा है मगर अचानक उसकी कैरेक्टर किसी तरीके से चेंज हो जाती है कि जी यानी एक हेडेक था जो कि पहले पल्सेट कर रहा था और अचानक उसे कंटिन्यूस एक हेडेक कराना शुरू हो गया या हेडेक इस तरह कराना शुरू हो गया जिसके अंदर कोई नया सिम्टम आ गया, तो उसके अंदर भी एक एवेल्यूएशन बहुत जरूरी है। एवेल्यूएशन बहुत जरूरी है, ठीक हो गया। हमारे से कॉलर जी जूनिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अर्मिला कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी। जूनिया क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा डॉक्टर से सवाल है, मेरी मोमानी है, 25 साल हो गए उनकी शादी को और पिछले 2-3 साल से उनको कुछ डिप्रेशन की ऐसी कंडीशन है कि वो हर थोड़े दिनों के बाद वो कहती हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगी,
मतलब कुछ दिन वो इसी फेज में रहती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं नॉर्मल रूटीन में. बहुत से साइकेट्रिस्ट को भी दिखा चुके हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन चेंज हो जाती हैं, कुछ अर्से के लिए थोड़ी सी रिकवरी होती है, लेकिन फिर एज इट इज वही कंडीशन उनकी हो जाती है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जूनिया. अभी जवाब लें जी मैडम जूनिया. जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि साइकेट्रिक जो मेडिसिन है वो अपना असर दिखाते दिखाते कुछ देर लेती है, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट इस वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि मेडिसिन जी हम तो दो हफ्ते से खा रहे थे, हमें तो किसी किस्म का असर ही नहीं हुआ. हमारे पेशेंट से आदि हुए होते क्विक फिक्सेस के कि जी हमने दवाई यूँ ली है और हम बिल्कुल ठीक होकर चलने लग पड़े. और एक इशू और भी आता है कि जब ये जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं कंप्लायंट होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि दवाई लेती हैं तो कुछ ठीक हो जाती है, तो हमारा फॉलो ड्रॉप आउट एक उस लेवल पे भी आता है कि जब पेशेंट ठीक हो जाता है वो दोबारा फॉलोअप के लिए नहीं आता फॉर अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो सके. तो आपको ना सिर्फ एक दफ़ा दिखा के एवेल्युएट करके डायग्नोज होना है और ट्रीटमेंट लेना है, बल्कि एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म फॉलोअप और एक प्लान के मुताबिक जाना है कि ये चीज़ दोबारा ना हो सके. साइकेट्रिस्ट को आपने ठीक होने के बाद भी इन पेशेंट को चेक करवाना है. ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी. अच्छा डॉक्टर साहब, हेडेक्स की हम बात कर रहे थे, कुछ हेडेक्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड भी होते हैं, डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि आपको टेम्पररी हुआ है रोज की बुनियाद पर कुछ टेंशन एंजाइटीज की वजह से भी, तो डिफर कैसे किया, डिफरेंशिएट कैसे किया? जैसे पहले आपको मैंने बताया इसके अंदर कि इसके अंदर कोई ना कोई और सिम्टम्स लाजमी आते होते हैं, जो अक्सर हमारे पास सिम्टम्स आते होते हैं, जैसे वॉमिटिंग आ जाती है या हेडेक इस तरह का होता है जिसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि सुबह के टाइम हेडेक ज़्यादा होगा. तो इस तरह के जो हेडेक्स होते हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू अ न्यूरोसर्जन. लॉन्ग टर्म हेडेक्स बिल्कुल हेडेक्स लॉन्ग टर्म होते हैं, हमारी रूटीन इस तरह की होती है जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमारी बिल्कुल रेस्ट नहीं होता, हमारे माइंड के अंदर 24/7 हमारा माइंड चल रहा होता है. इसके अलावा हमारे जो है इकोनॉमिक इशूज़ इस तरह के हैं, बींग इन अ पार्ट ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो इनको एक तो अदर सिम्टम्स के साथ होता है. ज़्यादातर लॉन्ग टर्म हेडेक्स के अंदर देर इज़ जस्ट पेन मेडिकेशन एंड सर्टेन अंडरलाइंग प्रॉब्लम जस्ट लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन, जिसको ट्रीट करें तो हेडेक भी ठीक हो जाता है. अच्छा डॉक्टर, क्योंकि न्यूरोसर्जरी एक बहुत वासी फील्ड है, उसके अलावा लोगों में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि न्यूरोसर्जन के पास जाना है, उसके पास जाना है, तो साइकेट्रिस्ट जो इलनेस होती है क्या उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये रिलेट करें न्यूरोसर्जरी के साथ? देखिए हमारे पास एक्चुअली पेशेंट्स, जिस तरह हमारे पास दो कॉलर्स ने भी फ़ोन किया और वो ये कह रही थी कि अब पेशेंट ख़ुद ये कहते हैं कि मैं पागल हूँ, या फिर कोई लोग दूसरे उनको लेबल कर देते हैं कि क्या ये साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो ये इसको कोई मेंटल इलनेस होगी, पागलपना होगा, जिसको एक मिस लेबल कर देते हैं मैं इसे कहूँगा. ये तो उस वजह से उस लेबल को बचाने के लिए लोग न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास भी दिखाते हैं, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें पेशेंट इस तरह के एनकाउंटर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आप भी बहुत शुक्रिया. नाव शिज़ोफ्रेनिया के वाले से हमने बात की और न्यूरोसर्जरी में जो जो चीज़ें फॉलो करती है डॉक्टर आदिल ने एक्सप्लेन कर दी. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें और भी मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर.